मूवी की स्टार्टिंग में हम लोरा नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने आप को साफ कर रही है और फिर घर से निकलकर बाहर वेट कर रहे एक आदमी के साथ चली जाती है। मूवी इसी के साथ फ्लैशबैक में जाती है जहां लोरा अपनी क्लास में अपने पेट को दबा रही है और अपनी सीट से उठते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। लोरा एक कॉल सेंटर में जॉब करती है और प्रॉपर खाना ना मिलने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। एक्चुअल में उसकी फैमिली बहुत ही लो क्लास से बिलोंग करती है और वो उसके खर्चे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अपने बीएफ के साथ रूम शेयर करके रहती है ताकि वो रूम का रेंट शेयर कर सके। रात में लाइट चली जाती है तो उसका बीएफ बिजली का बिल ना पे कर सकने की वजह से उस पर गुस्सा करता है। फिर वो ऑनलाइन जॉब ढूंढती है जहाँ उसे उस टाइप के जॉब की कुछ एड्स दिखती हैं। वहाँ जॉन नाम का एक आदमी जो लड़कियों के लिए ऐड देता है वो उसके लिए $100 देने को तैयार होता है। वो जॉन को मैसेज करती है। पहले वो थोड़ी नर्वस होती है, उसकी नर्वसनेस देखकर जॉन समझ आता है और उसे अपनी फ़ोटो भी सेंड कर देता है। लोरा अपने अपने दिमाग में सोचती है कि वो इस काम को बस एक बार करके छोड़ देगी। वो प्रेजेंट में आती है जहाँ लोरा अपने आप को साफ कर रही है और वो उस आदमी के साथ चली जाती है। जॉन उसे उस काम की लिस्ट देता है जो उसे करना है। वो अपने कपड़े उतार कर नहाने चली जाती है। फिर वो आकर बेड पे लेट जाती है जहाँ जॉन पहले से लेटा हुआ होता है। जॉन उसको किस करने लगता है लेकिन वो नर्वस हो जाती है। फिर जॉन उसको अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि वो डाइवोर्सी है और उसकी एक बेटी है जो उसकी एज की है। वो लोरा को कपड़े पहनने को कहता है और उसको पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। लोरा खुश हो जाती है कि उसको बिना कुछ किए ही $100 मिल गए थे, लेकिन जब वो पैसों का लिफाफा खोल कर देखती है तो उसमें जॉन ने 100 की जगह $200 डाले होते हैं। पैसों से सबसे पहले वो अपने पापी पेड़ की भूख को मिटाती है। कॉल सेंटर पहुंचकर वो फिर से वही साइट ओपन करती है और फिर एक आदमी से कॉन्टैक्ट करती है जो उसको पर आवर $70 देने को तैयार हो जाता है। वहाँ उसका बीएफ उसको इग्नोर करने लगा है। फिर वो अपने क्लाइंट से मिलती है और पूछती है कि उसके साथ वो क्यों इंटीमेट होना चाहता है। क्लाइंट बताता है कि उसकी अभी अभी शादी हुई है और अभी तक उसने अपने वाइफ के साथ कुछ नहीं किया, इसलिए पहले वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है। वो एक पार्किंग एरिया में जाकर घपाघप करते हैं और वो आदमी उसको $140 देकर चला जाता है। वहाँ उसका बीएफ उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और अपने मॉम डैड के घर आकर रहने लगती है। फिर वो एक बार में जाती है जहाँ कुछ लोग उसको छेड़ रहे होते हैं और एक लड़का उसको दूर से देख रहा होता है जिसका नाम बेंजामिन होता है। वो उसके पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो भी उसके साथ शुरू हो जाती है और वो उसको घर छोड़ने आता है जहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन वो एक आदमी के पास जाती है जो उसको एक अच्छा सा फ़ोटोशूट करवा के देता है और उसको कहता है कि अगर उसको और पैसे चाहिए तो उसके पास एक क्लाइंट है जिसको लड़कियां चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है। इस तरह से अब जब भी उसको पैसों की ज़रूरत होती है तो वो एक नया क्लाइंट ढूंढ लेती है और अपने खर्चे निकालती है और हर बार अपने आप से कहती है कि ये बस आखिरी बार है। एक्चुअल में उसको ऐसे पैसे कमाने की लत लग चुकी थी। एक दिन वो एक मैगजीन में एक लैपटॉप को देखती है जिसे वो खरीदने की सोचती है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो जॉन को कॉल करके कहती है कि उसको लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे चाहिए। वो जॉन के पास जाती है, जॉन उसको अंदर भेजता है और वो देखती है कि वहाँ वही लैपटॉप है जो उसे चाहिए था, लेकिन वहाँ एक नोट भी होता है। वो खुद से कहती है लोरा बस लास्ट टाइम, और अगले सीन में जॉन उसके हाथ पैर बांध कर उसको दर्द देता है और जब वो किसी तरह से उस दर्द से आज़ाद होती है तो वो किसी तरह से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि वो जो चीज़ लेने आई थी वो चीज़ तो अंदर ही रह गई। वो वापस जाकर लैपटॉप उठाती है तभी जॉन पीछे से आकर उसको पैसे देता है और वो घर जाकर रोती है। बेंजामिन को कॉल करके वो अपने घर बुलाती है और वो उसके साथ बात करती है। बेंजामिन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है लेकिन वो उसको मना कर देती है और अपने बारे में सारा कुछ उसको बताती है, लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद बेंजामिन उसके साथ शुरू हो जाता है और इस तरह से वो अपनी न्यू जॉब को भी कंटिन्यू करती है। लेकिन एक दिन क्लाइंट उसके साथ धोखा करता है और उसको $100 की जगह $20 देकर वहाँ से भगा देता है। लोरा ये बात बेंजामिन को बताती है और बेंजामिन उसको पैसे एडवांस में लेने की सलाह देता है और वो वैसा ही करती है। दोनों एक साथ डिनर करते हैं जहाँ उसको एक क्लाइंट का कॉल आता है। लोरा उस क्लाइंट को मना कर देती है, लेकिन वो क्लाइंट बार बार कॉल करके लोरा को तंग करता रहता है, जिसमें बेंजामिन कॉल पे उससे उस क्लाइंट को काफ़ी कुछ सुनाता है। लोरा जब जॉन से मिलकर आती है तो उसको बेंजामिन मिलता है और लोरा को लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा था। वो उस पर गुस्सा करती है और बेंजामिन वहाँ से चला जाता है।
बेंजामिन को मनाने आती है और वो लोरा को काम छोड़ने को कहता है, लेकिन लोरा अपनी ज़रूरतों का हवाला देती है और कहती है कि वो अपने खर्चों को कैसे पूरा करेगी। बेंजामिन कहता है ये सिर्फ उस अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब उसकी तरह प्रोस्टिट्यूट नहीं बन जाते। बेंजामिन उसे ब्रेकअप कर लेता है। लोरा उसी फोटोग्राफर के पास जाती है और उससे फ़ोटोज़ डिलीट करने को कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लोरा उसको पीटती है और जॉन लोरा को मिलने के लिए कहता है। वो बताती है कि वो पेरिस जा रही है। जॉन बताता है कि उसके पास $1,000 का ऑफ़र है, जिससे वो उन पैसों से आसानी से वहाँ सेटल हो सकती है। लोरा जॉन के पास आती है, जहाँ उसके साथ कई लोग इंटीमेट होते हैं। बाहर आकर हम देखते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। जॉन उसको होटल लेकर आता है और फ्रेश होने को कहता है। वो बाथरूम के अंदर जाती है और खूब रोती है, क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। वो बाहर आकर देखती है कि जॉन जा चुका होता है और उसके लिए $100 छोड़कर चला जाता है और एक नोट लिखा कर छोड़ जाता है, जहाँ लिखा होता है कि वो उसको उस दिन बाकी पैसे दे देगा जिस दिन वो पेरिस जाने लगी होगी। उसको काफ़ी गुस्सा आता है। वो जॉन को कॉल करके बार बार तंग करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता है। और जिस दिन वो पेरिस जाने वाली होती है, उसको जॉन का कॉल आता है, जहाँ वो बताता है कि उसे हार्ट अटैक आ गया था और उसकी एक्स वाइफ ने उसके अकाउंट भी फ्रीज कर दिए थे। लेकिन लोरा को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है। वो पेरिस जाकर जॉब ढूंढती है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती है। उसे एक क्लाइंट का कॉल आता है और उसे उसकी सर्विस के लिए $3,000 देने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है। लोरा यहाँ पे कॉलेज पास कर चुकी होती है और उसे एक वेटर की जॉब मिल जाती है। बाद में लोरा को एक अच्छी सी जॉब और रहने के लिए एक अपार्टमेंट भी मिल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर जल्द ही आएंगे।